मोदी के तो ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, ना मेहरारू है ना लड़का, आगे नाथ ना पीछे पगहा। तो और जो काम से आते हो तो आते हो, लेकिन प्रतापगढ़ का आदमी सबसे ज्यादा आता है कि फल्ला धारा लगी, धारा निकलवा दो, इनाम कटवा दो, ये करवा दो। धारा निकलवाना, नाम कटवाना, सिर्फ ये चक्कर। अब धारा निकलवाना और नाम कटवाने से घबराना खत्म कर दो। जिस दिन आप खत्म कर दोगे, उस दिन इज्जत आपकी प्रतापगढ़ के अंदर रहेगी, कोई आप तक पहुंच नहीं पाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं जेल में था, बड़ी दिक्कत के टाइम में था। हमारे लोगों ने हमसे कहा कि आप प्रतापगढ़ से चुनाव लड़िए। प्रतापगढ़ के लोग गए, बड़ी तादाद में हमारे पास गए जेलों में, और प्रतापगढ़ से हमेशा हमने जुड़ना चाहा है। हमारे मन में ये कसक आज भी है। ये जाना जाता है राजा और रानी के नाम से, आप ही जन्माते भी हो, आप ही जन्माते हो। जब कभी आओ जाओ तो रानी साहब आ रही है, फलानी रानी आ रही, फलाने राजा आ रहे हैं। अब बंद करो ये रानी राजा का नाम करना। अब राजा रानी बॉयलेट पेपर से पैदा होता है, बॉयलेट पेपर से पैदा होता है। हम तो आपको इशारा कर रहे हैं कि अगर एक इनकलाबी जवान है, नौजवान है, जो अपने अशायरी में इनकलाब पैदा करता है, सच्चाई बोलता है, इमरान प्रतापगढ़ी आपके बीच में है, क्यों नहीं आप उसको प्रतापगढ़ का राजा बना देते? बना दो राजा, बनाना आपके हाथ में है, बनाना आपके हाथ में है। आज वोट की ताकत से राजा बनता है। हम इशारा करके जा रहे हैं प्रतापगढ़ के लोगों, और आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमको 1,00,000 से ज्यादा वोट दिया मेरे जेल में रहते। हम उसके बाद लड़वा दो, काहे नहीं लड़ना चाह रहे हैं। हमारे जेल में रहते, आपके बीच में हम नहीं आए, उसके बावजूद आपने 1,00,000 से ज्यादा वोट हमको दिया, उसका हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद हम आपके बीच में नहीं आ पाए थे, लेकिन प्रतापगढ़ के लोगों, हमारा कान आपकी तरफ जरूर लगा रहता है। कुछ हादसे हुए थे वहां, हमारा भी मन चाहा कि हम कूद के पहुंच जाएं, और पहुंचने में देर नहीं थी, लेकिन हम मसलहतन नहीं गए, इसलिए कभी कभी जाने से मामले और बिगड़ जाते हैं। कहीं जाना अच्छा होता है तो कहीं ना जाना उससे ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए हम नहीं पहुंचे थे, लेकिन ध्यान हमारा हमेशा रहता है और हम चाहते हैं। और आप हमारे पास आते हो तो और जो काम से आते हो तो आते हो, लेकिन प्रतापगढ़ का आदमी सबसे ज्यादा आता है कि फल्ला धारा लगी, धारा निकलवा दो, इनाम कटवा दो, ये करवा दो। धारा निकलवाना, नाम कटवाना, सिर्फ ये चक्कर। अब धारा निकलवाना और नाम कटवाने से घबराना खत्म कर दो। जिस दिन आप खत्म कर दोगे, उस दिन इज्जत आपकी प्रतापगढ़ के अंदर रहेगी, कोई आप तक पहुंच नहीं पाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मन नहीं है कोई बहुत सियासी बात करने का, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि मुख्यमंत्री ने जो इन्हें यश भारती दिया है, जाहिर सी बात है कि नजर उनकी दूर तक है। और मुख्यमंत्री को हम इसलिए भी चाहते हैं, और कोई मुकाबला भी नहीं है किसी नेता का मुख्यमंत्री से। ओझा जी, मोदी के तो ना आगे नाथ है ना पीछे पगहा, ना मेहरारू है ना लड़का, आगे नाथ ना पीछे पगहा। मायावती जी का कौन है? कोई ना, ना कोई नहीं है। अब वो तो जैसे उत्तर प्रदेश भूली हुई है, वहां तो किसी भी गड्ढे से निकल के आओ, 2 बाल्टी पानी डालो, 2 करोड़ रुपया जेब में रखो और पहुंच जाओ। ना ये बताना है कहां से आ रहे हो, क्या सोच है तुम्हारी, क्या मानसिकता है, क्या जहनियत है, क्या विचारधारा, कुछ नहीं। 2 करोड़ रुपया दो, टिकट लेके चले आओ, ये काम हो रहा है।